अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज फिर मैं मौजूद हूँ दम्माम कॉर्निस पर, दकातल कैफे के सामने। तो आपने दम्माम में रहकर बहुत सारी करक चाय पी होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी पी है, लेकिन जो स्पेशल करक चाय मैं पिलवाने वाला हूँ आपको और मैं पीने वाला हूँ, वो शायद ऐसी करक चाय आपने पहले कभी नहीं पी होगी। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि खाने की कुछ चीज़ों में जो है अहम रोल जो होता है हाथों का होता है, कि किसी के हाथों में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है और किसी के में नहीं। तो आज मैं ऐसी शख्स से अभी मैं मिलवाने वाला हूँ जो कि दकातल कैफे दम्माम कॉर्निस पर रहकर पिछले 4-5 सालों से अपने हाथों का जो जायका दूसरे लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो चलते हैं दकातल कैफे के पास, सबसे पहले बनवाते हैं यहाँ से स्पेशल चाय, उसके बाद जो है उनसे रابطہ करेंगे, उनसे बात करेंगे कि उनका सफर यहाँ तक कैसा रहा, कहाँ से वीजा ली और कितने घंटे इनका काम रहता है, कैसे नहीं, वो सारी जानकारी आज के इस वाले ब्लॉग में बनने वाली है। तो ब्लॉग के एंड तक बने रहिए क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मैं लेने वाला हूँ अभी इनसे। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। चांद बाबू, माशाल्लाह काफी प्यारा नाम है। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया से। इंडिया में किस जगह से? यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, अच्छा उत्तर प्रदेश, माशाल्लाह। तो मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ दकातल कैफे, तो कितने साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? तो कितने दिनों का एक्सपीरियंस है यहाँ? लगभग 2 साल हो गया है। 2 साल हो गया, अच्छा जी। तो आप बताना चाहेंगे आपको ये वीजा मिली कैसे? वीजा तो हमारे दोस्त ने भेजा था हमको। तो आपके दोस्त ने भेजी? तो आप पहले से यहीं पे थे या फिर इंडिया में थे? इंडिया में था। अच्छा, इंडिया में थे। तो आपका कांटेक्ट हुआ कि मुझे वीजा चाहिए? तो आप पहले कभी इंडिया में कॉफी शॉप पे काम किए? नहीं। कॉफी वगैरह बनाने का जो भी कुछ है? नहीं। तो सपोज करो कि कोई नया बंदा है, उसको जो कॉफी शॉप पे काम करने की वीजा चाहिए, कॉफी मेकर वगैरह, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? उसका प्रोसेस तो ये रहेगा, सबसे पहले उसको इंडिया में काम करना जरूरी है, उसके लिए फिर उसका सर्टिफिकेट भी, स्किल टेस्ट भी होगा, वो सब लग के अभी क्योंकि सिस्टम बदल रहा है। मतलब कि स्किल टेस्ट चाहिए इसके लिए? उसके लिए जरूरी है। अच्छा, सपोज करो कि वो लड़का जो है कॉफी शॉप पे काम कर रहा है पिछले कुछ सालों से, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? डायरेक्ट आ सकता या फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा? इंटरव्यू तो जरूरी है, लाजिम है, इंटरव्यू तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, तो किसी ऑफिस से कांटेक्ट करें तब आ जाएं या फिर मतलब कि यहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा किसी से जैसे जान पहचान में? नहीं, ऑफिस से भी हो सकता है, ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस में बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी आपको, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या करना है आपको सारा प्रोसेस बताएंगे। अच्छा, तो कितने घंटे की ड्यूटी रहती है यहाँ पे आपकी? नॉर्मली 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, सभी जानते हैं। अच्छा, बाकी एक्स्ट्रा ओवर टाइम भी रहता है, 2 घंटा 4 घंटा ड्यूटी रहता है। ओवर टाइम मिलता है डेली? अच्छा, तो अगर एक मिनिमम सैलरी की बात करें तो कितनी सैलरी हो जाती है यहाँ पे? सैलरी तो अभी के हिसाब से, यानी कपिल के हिसाब से, जैसा आप वहाँ से तय करके आएंगे कि हमको कितनी सैलरी चाहिए या फिर इधर वाली कितना सैलरी दे रहे हैं, अच्छा, उसी हिसाब से आप कम ज़्यादा करके आने आ सकते हैं। अगर आपको कम लग रहा है तो आप बोलिएगा, और बाकी ज़्यादा है तो आदमी एक्सेप्ट करता ही करता है, तो उसी हिसाब से यानी कि एडजस्ट होता रहता है। तो वैसे एक मिनिमम सैलरी कितनी होती है फूड ट्रक पे काम करने के लिए या फिर कॉफी शॉप पे काम करने के लिए? तो अंदाजा एक फिक्स नहीं है, इसका तो कोई फिक्स नहीं है, जैसा जिसका कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसी हिसाब से उसका सैलरी भी रहता है। नहीं, जैसा कि हमारी लाइन में क्या होता है ड्राइवर में, कि न्यू आए उसकी 1500 सैलरी रहती है, उसको 1500 ही मिलनी है, उसके बाद में उसकी बढ़ती है। तो आपके फील्ड में कितनी नॉर्मली सैलरी रहती है? ये कोई फिक्स या फिक्स वाला जगह है तो नहीं कि यानी फिक्स किया जाए, तो जैसा रहता है उसी हिसाब से एडजस्ट होता रहता है। अच्छा, कभी काम अच्छा हुआ, अच्छा सीख लिए, बढ़िया काम करने लगे तो ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, कपिल के ऊपर है, कपिल बढ़ा भी सकता है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग इंडिया से कॉफी शॉप पे आना चाहते हैं या फिर फूड ट्रक पे काम करने के लिए आना चाहते हैं, तो उनको क्या बताएंगे? जैसा कि आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है ऑफिस में, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कहीं भी अगर ऑफिस में जाएं तो सबसे पहले तो ऑफिस वाला जो भी हो पहचान का हो, अच्छा, और आप भी उसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हो, ज्यादा फ्रॉड वाला बंदा ना हो, और बाद में आपको जो भी लाइन में आए उसके बारे में जरूर आपको जानकारी होना चाहिए, स्किल टेस्ट यानी होता है वो भी यानी होना चाहिए, और जो भी सैलरी का मसला रहे जो भी रहे वहीं से यानी कि बात करके तभी आना चाहिए, पूरा कंफर्म कर लेना चाहिए क्या है क्या नहीं, सैलरी खाना रहना जो भी है पूरा कंफर्म करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही वीजा लगाएं। चलो चांद बाबू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अब आप अपने हाथों की जो है करक चाय पिलवा दो हमें, इंशाल्लाह, क्योंकि ठंड का मौसम है और दम्माम की ये सर्द फिजाएं लाजिम बनती है फिर चाय तो एक।
ये देख रहे हैं, ये है स्पेशल तरीके से बनाए हुए सिर्फ मेरे लिए, लेकिन आपको भी मिल सकती है। उसके लिए आपको दम्माम कॉर्निस पे आके धक्का तल कैफे पे जो है एक बार विजिट करना होगा, तभी ये स्पेशल करक मिलेगी। और शायद ऐसी करक आज से पहले आपने पी नहीं होगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजों का टेस्ट जो है वो देखकर ही पता चल जाता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे इस स्पेशल करक का कलर। तो आप देर ना करते हुए इसको जो है पी लेते हैं। ओए होए, स्पेशल करक की चुस्की और दम्माम कॉर्निस की ठंडी ठंडी हवाएं एक अलग ही जो है फील करा रही है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी लग रही है। और मैं इस बात को जो है पहले कह चुका था कि स्पेशल करक है। अपने यहाँ जैसा कॉफी मिलती है ना, वो सेम उसी तरीके का टेस्ट आ रहा है। और एक खास बात बताऊं, ऐसी करक जो है इन्होंने अब से पहले नहीं बना के दी थी, शायद मेरा ख्याल है। काफी अच्छा टेस्ट आ रहा है यार इसमें, गजब मौज कर दी मौज यार तुमने तो आज। तो गाइस, और टाइम जो ऑलमोस्ट काफी हो चुका है मुझे यहाँ रुके हुए, चेयर और टेबल जो है उधर डला हुई है, तो सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत इधर घूमे और उसके बाद चले इंशाल्लाह घर पे। तो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वाली वीडियो में। और अभी बज गए दूसरे दिन के 5:30, तो अभी जो है लग गई है ड्यूटी, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे। और कल जो आया था रात दम्माम कॉर्नर से, तो उसके बाद से जो है आके सो गया, क्योंकि जगा हुआ था बहुत ज्यादा, तो इसलिए जैसे ही दम्माम कॉर्नर से आया वैसे ही रूम पे आके जो है सो गया। और सोए आए से कि अब जो है दूसरा दिन निकल गया है, और दूसरा दिन निकल के भी जो है अभी लग गई है ड्यूटी, तो इसलिए जा रहा हूँ मैं ड्यूटी पे। तो आज के इस वाले ब्लॉग को जो है करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं फिर हम अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज और यल्ला मसलामा, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब फर्स्ट क्लास है।